जी लाइफ को थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए। चलते उस टाइम पे जब मोबाइल फोन आना शुरू हुए थे, जब भी हम किसी को नंबर देते थे तो पहला क्वेश्चन ये होता था कि भाई GSM या CDMA। तो आइए आज इनके बारे में जान लेते हैं। GSM यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, और CDMA यानी कि कोर डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब GSM जो फोन यूज होते हैं वो TDMA टेक्निक को यूज करते हैं, यानी कि जब भी आप किसी को कॉल करते हो तो हर यूजर को एक स्पेसिफिक चैनल दे दिया जाता है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, जिसमें आप अपने इन्फॉर्मेशन भेज देते हो और यूजर उसको दूसरे वाला एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर CDMA में ऐसा कुछ नहीं होता। CDMA में पूरा का पूरा स्पेक्ट्रम खुला होता है, जिससे इन्फॉर्मेशन किसी भी चैनल से ऑटोमेटिकली जा सकती है। दूसरा और सबसे बेसिक जो डिफरेंस है वो है सिम कार्ड का। GSM मोबाइल के अंदर एक यूजर कोई भी सिम कार्ड किसी भी नेटवर्क का परचेज करता है, वोडाफोन, जियो, आइडिया, किसी का भी, और उसको अपने मोबाइल में डाल देता है, कॉल करना शुरू कर देता है, जिसमें यूजर की सारी इन्फॉर्मेशन सिम कार्ड के अंदर होती है, सारे कॉन्टैक्ट नेटवर्क सिम कार्ड के अंदर होते हैं, और कल को नंबर पसंद नहीं आया तो सिम निकाल के फेंक के और दूसरी डाल ली। लेकिन ये सिस्टम CDMA के साथ नहीं है। CDMA में आपका नेटवर्क